सबसे पहला डाउट आप लोगों का यही है ना कि YouTube से कितना पैसा आता है। आज मैं नहीं बताऊंगा YouTube से कितना पैसा आता है हमारा। देखो ये लस्सी पिएगा, तुम क्या पियोगे? फिज पियोगे ना भैया? दे दीजिएगा फिज। फिज चलो ठीक है, तुम आ जाओ। फिर भाई आज का ब्लॉग सबसे अलग होने वाला है। देखो आज के ब्लॉग से बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और कुछ लोगों के अंदर जो डाउट रहता है ना वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। देखो ये रहा अपना घर और सबसे पहला डाउट अभी मैं आप लोगों का क्लियर कर रहा हूँ। देखो यहाँ अपनी दोनों भैंसें लगी हुई हैं सब, और हमारे हर घर में भैंस रहती हैं सब। देखो यहाँ भी भैंस है, वहाँ भी भैंस है, और देखो उधर भी सारी की सारी भैंस पड़ी हुई हैं सब। और यहाँ देखो हमारी माता जी हैं जो खाना बना रही हैं। तो सबसे पहला डाउट आप लोगों का यही है ना कि YouTube से कितना पैसा आता है। आज मैं नहीं बताऊंगा YouTube से कितना पैसा आता है हमारा। कितना आया था इस बार? 7,000 दिए थे, लेकिन 8,000 के आसपास में आया था। 1,000 हम रख लिए थे। खाना क्या क्या बन रहा है तो थोड़ा दिखा दो। ओ भाई देखो हमारा खाना बना है। पहला डाउट तो आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा। इसमें खाना है, देखो सब्जी कम है, पानी कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है बहुत सारा पानी डालकर ये खाना बना रही है। अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा पानी रहता है तो अरे देखो पैसा मैं क्या करता हूँ, पूरा पूरा पैसा दे देता हूँ कि नहीं? हाँ तो आप लोगों ने सुन लिया भाई, पहला डाउट तो क्लियर हो गया होगा। और ये हमारा खाना बनाने वाला है, ठीक है। ये अपना घर है, और उधर देखो अपने चाचा जी का घर है। और ये रहा अपना, जैसे पूरा जैसे घर है लेकिन अंदर नहीं खाना बनता है, खाना यहीं पर बनता है। और देखो यहाँ पर भी मतलब खाना अंदर नहीं बनता है, बाहर ही सबका खाना बाहर ही बनता है। देखो उधर अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ भी भैंस है सब। और ये हमारे बड़े पापा हैं, तो देखो ये बाजार ले जाएंगे। और पता है ये कितना रुपया किलो होगा धनिया? घड़ी 60 रुपया 50 रुपया चलता। हाँ ये 60 रुपया किलो होगा तो काफ़ी अच्छा तब तो मिलेगा। कभी कभी ऐसा आता है 1-2 रुपया किलो हो जाता है ना जब 1-2 रुपया किलो हो जाता भर्ती भाव नहीं आता है, जब इतनी घड़ी तो माल नहीं है तो महंगा है। हाँ और ये सारा बाजार में ले जाएंगे, ठीक है ना। देखो ये हमारे घर का कुछ ऐसा लोकेशन है, चारों तरफ पर आ गया हूँ। और वो लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं, और देखो अपने छत से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, उधर अपना गांव पड़ता है, ठीक है ना। और ये जो ये वाला जो छत है ना वो अपने चाचा का है, बड़े पापा का है। तो ऐसे करके सभी लोगों का छत है। और यहाँ देखो हमारी माता जी भी खाना बना चुकी हैं, तो अभी यहाँ पूजा कर रही हैं। और वहाँ मौसम तो एकदम बदल गया यार, देखो इतना भयंकर तूफान चल रहा है और पूरा दिन चल रहा है। देखो अभी हमारा आवाज़ भी नहीं आ रहा होगा, हमारा घर ऐसे जगह पर है ना, ऐसे लग रहा है कि ये सारा का सारा पेड़ हमारे घर पर गिर जाएगा। देखो कितना भयंकर तूफान चल रहा है और ये पूरा दिन चल रहा है, पूरा दिन चलेगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे मेरे भाई। देखो इधर अभी कुछ टाइम पहले पूरा का पूरा हरियाली था, और अब देखो देखो थार एकदम रेगिस्तान जैसा लग रहा होगा यार, देखो एकदम रेगिस्तान जैसा। देखो अभी सुबह से शाम हो चुका है और अभी हम लोग ग्राउंड के लिए निकल चुके हैं। देखो आगे आगे अपना पहलवान भाई और रौनक भाई चल रहा है सब, और ये अपना आरवन भाई ब्राह्म। और अभी ये वाला जो आप लोगों का सवाल था, काफ़ी दिनों से बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि नीरेश भाई आपको यूट्यूब से कितना पेमेंट मिलता है। बहुत सारे भाइयों के तो मन में ये चलता है ना कि नीरेश को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा, उसका लाइफ तो सेटल है। तो सुनो यार, अभी मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था, उसमें पता है एक सर है फौजी सर, वो बोल रहे थे कि नीलेश ब्लॉग को महीने का 25 से 35 हज़ार रुपया मिलता होगा। और वो ऐसा भी बोल रहे थे ना कि मैं 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर इतना पैसा मिलता ना मेरे भाई तो हमको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती। तीसरा, आप लोग अपने लाइफ को लेकर परेशान रहते हो ना, वैसे मैं भी रहता हूँ, मैं भी सोचता हूँ यार अपने लाइफ में क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। हाँ देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ ना कि जैसे मुझे YouTube से पेमेंट नहीं मिलता है, YouTube मुझे पैसा नहीं देता है। देखो यार YouTube मुझे पैसा देता है लेकिन उतना भी नहीं देता है जितना बताया जाता है, ठीक है ना। आप लोग तो सुने ही हो, अगर मैं आप लोगों से बताता तो बात अलग रहता। अपना पहलवान भाई आज अलग अंदाज में आए, थोड़ा इधर देखो काहे चश्मा निकाल दिए। देखो यार आज ये चश्मा लगाया था, पता नहीं क्यों चश्मा, काहे चश्मा निकाले हो? हाँ देखो यार कड़कड़ाती धूप में ये लोग रनिंग करने जा रहे हैं। ये रहा इन लोगों का नेकर, और ये एक चश्मा लगा लिया है और एक कैप लगा लिया है, टोपी लगा लिया है, तो खतरनाक वाले लग रहा है सर। चलो चाप के चलो हाली हाली।
अभी देखो हम लोग चौराहे पर आ चुके हैं और चौराहे पर कुछ सामान लेना है, उसके बाद से फिर ग्राउंड पर जाएंगे। और देखो हम लोग का ग्राउंड वाला रास्ता ये नहीं है, हम लोग का रास्ता तो दूसरा है, लेकिन आज दूसरा रास्ता पकड़ लिए हैं। तो पहले दुकान पर चलते हैं, उसके बाद से फिर देखते हैं। ये वाला सामान अभी मिल चुका है, ठीक है ना। और अभी कहाँ चलना है, पहला कहाँ चलना है बताओ। हाँ लस्सी नहीं, उसमें फ्रिज है, दे दीजिएगा। फ्रिज पियोगे? देखो ये लस्सी पिएगा, तुम क्या पियोगे? फ्रिज पियोगे ना भैया, दे दीजिएगा फ्रिज। फ्रिज चलो ठीक है, तुम आ जाओ। अब फ्रिज दे दीजिए बस, और छोटा वाला दो दे दीजिए, ले लो क्या लेना है तुमको, ले लो। ये देखो अपना पहलवान भाई फ्रिज पिएगा भाई, छोटा वाला दे दीजिए। तू का पियो, हम भी दो ले लो, ले लो। अपना सामान भी मिल चुका है उधर, आप लोग देख सकते हो वो रहा सामान। हाँ तो ले लो, तुम्हारा मिल गया? नहीं है, नहीं है। चलो ठीक है, तुम नहीं पीना, चलो आज तुम रनिंग करना बस। अब तुम्हारा ये पहलवान भाई नहीं पियोगे, सही ना? नहीं तब एक और ले लो भैया, एक और दे दीजिएगा। अभी फाइनली चलते हैं ग्राउंड पर, ठीक है ना। देखो ये थोड़ा सामान लेना था, और पहलवान भाई का बाड़ी वाड़ी का थोड़ा ध्यान देना है ना, इसलिए फाइनली अभी हम लोग दुकान से निकल चुके हैं। और देखो ये रहा अपना फ्रिज, और पहलवान भाई अपना फ्रिज दिखा दो। ये अपनी छोटी सी जिंदगी है यार, इसी में हम लोग मस्त रहते हैं। अगर 25-30 हज़ार रुपया मिलता ना, तो इस तरह से हम लोग इधर उधर भटकते नहीं। और ये कोई दिखावा नहीं है, यही अपनी रियल जिंदगी है। ये एक दिन का काम नहीं है भाई, ये रेगुलर का काम रहता है, ठीक है ना। देखो अपना पहलवान भाई भी फ्रिज अभी पीने में लग गया है, और ये रौनक नहीं पिएगा, क्योंकि ये क्या पी रहे थे? कुछ नहीं पिया, कुछ नहीं। अरे ये पता नहीं 10 रुपया वाला छोटे छोटे लड़कों वाला सामान पी रहा था, ठीक है ना। उसी में ये खुश रहता है। ये ब्लॉग बनाने का मेरा, देखो भाई ये ब्लॉग बनाने का मेरा बस एक ही मकसद था कि हम लोगों की लाइफ यही है, ठीक है ना। और आगे जो भी होगा मैं देखा जाएगा यार, जो कुछ भी होता है ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ भी छिपाता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा पैसा आता है और आप लोगों को मैं बताता नहीं हूँ, झूठ बोलता हूँ यार ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो कुछ भी होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग यार एक फैमिली के जैसे हो, एक परिवार के जैसे हो। अगर मान लो हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा तो फिर आप लोग खुश नहीं रहोगे? आप लोग भी सोचोगे यार मैं नीलेश भाई को सपोर्ट करता हूँ तो कम से कम यूट्यूब उसको इतना पैसा देता है, तो आप लोग भी खुश रहोगे? फिर मैं आप लोग को बता नहीं दूँगा। हम भी हमेशा दिन रात सोचते रहते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मिला जुला कर हम भी परेशान रहते हैं, और यही अपनी रियल लाइफ है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप लोग अपना तैयारी करते रहो। अब देखो मैं तो कुछ करता हूँ, अब ये वीडियो बनाता हूँ ना, तो पता है गांव में का तो मत पूछो। अगर मैं छत पर चढ़ जाता हूँ, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, बताने लगता हूँ ना, तो हमारे गाँव वाले पाला नंबर, तो हमारे परिवार जैसे हमारे घर का सदस्य कोई कहीं भी मिलता है ना, तो उन लोगों से बोलते हैं सब ये क्या करता है, बक बक करते रहता है, और बहुत सारा बोली सुनने को मिलता है, लेकिन सबको इग्नोर करके अपना काम करते रहता हूँ। और आप लोगों को भी भाई, अगर दूसरे का देखोगे ना तो फिर अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। देखो मुझे याद है जब मैं शुरुआत किया था ना, तो जीरो से शुरुआत किया था, और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यूट्यूब से जो कुछ भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था ना कि यूट्यूब से मेरा पेमेंट भी आएगा, लेकिन आने लगा। मैं किसी के बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो मिला जुला कर आप लोगों को बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि लोगों के बातों पर तो आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, जो कुछ भी करना अपने दिमाग से करना और लगे रहना, ठीक है ना।